नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं हूं रत्नेश पांडे। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के पिछले कई महीनों से बहस चल रही है। शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया को लेकर के वो लगातार प्रश्न खड़े करते हैं और कई शिक्षा मंत्री अब तक बदल चुके हैं। कई शिक्षा मंत्री हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार जिस तरीके से बदल रही है, बिहार में गठबंधन जिस तरीके से बदल रहा है, ऐसे में छात्रों की उम्मीदें जब सोची जाती है, छात्र जब सोचते हैं कि अब इस सरकार से उम्मीद जगेगी, अब ये सरकार हमारी बहाली प्रक्रिया पूरी करेगी, तब बिहार में कुछ बदलाव हो जाता है, राजनीति घटनाक्रम घट जाते हैं जिससे शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगती है। अभी सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी करने से ठीक पहले कई तरह के बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने वादे कर दिए। उन्होंने ट्वीट किया कि हम नियमावली बना करके हमने मुख्यमंत्री को भेज दिया है, कैबिनेट में पास होगा। उसके बाद कई कैबिनेट निकल गए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को निराशा ही हाथ मिला। अब उसके बाद देखिए, अब बिहार में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये विधानसभा में बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि राज्य के स्कूलों में 2023 में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होगी। शुक्रवार को विधान परिषद में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नवल किशोर यादव और मदन मोहन झा के तांत्रिक प्रश्नों के उत्तर देते हुए ये बात उन्होंने कही है और कहा है कि उन्होंने ये भी पूछा कि 2023 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कब होगी। इस पर मंत्री ने कहा, प्रक्रिया ही नहीं बल्कि संपूर्ण नियुक्ति भी पूरी की जाएगी। मंत्री ने कहा, शिक्षक की नियुक्ति और तबादला की नई नियमावली में राज्य के नियोजन शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों का अर्जित अवकाश पुराने नियमों शिक्षकों की भांति 120 की जगह 300 दिन करने का सरकार विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि 2020 की नियमावली में अर्जित अवकाश 120 दिन का प्रावधान है। सभी कोटि के शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब सभी कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के अंतर जिला ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सॉफ्टवेयर ट्रायल के बाद स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए जाएंगे। नियमावली बन चुकी है। भाजपा के प्रमोद कुमार के अल्पसूची प्रश्न के उत्तर में कहा कि नगर निकाय व पंचायती राज संस्थानों में शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली में दिव्यांग शिक्षक, शिक्षिका, पुस्तकालय अध्यक्ष को अंतर नियोजन इकाई, अंतर जिला सहित उपलब्ध रिक्त पद एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी गई। इसी के तहत पुरुष शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष को एक बार अंतर जिला सहित अंतर नियोजन इकाई में पारंपरिक स्थानांतरण की सुविधा भी मिलेगी। वर्तमान में स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। सॉफ्टवेयर ट्रायल के बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। तो बिहार के में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ये बातें बिहार के शिक्षा मंत्री ने कह दिया है। साथ ही साथ जो अवकाश मिलते हैं बिहार के शिक्षकों को, वो 120 दिन मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 200 दिन किए जाना है। तो देखते हैं, कई तरह के नियमावली शिक्षा मंत्री अब तक बना चुके हैं, कई तरह की बातें वो कर चुके हैं, क्या होता है इस मामले पर भी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको लगातार देंगे। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।